तो जय श्री राम भाई, आप सभी का स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। तो आज अपने पास जो भाई गाड़ी रिव्यू के लिए आई हुई है वो है ह्युंडई की क्रेटा। और भाई लोगों की पहली पसंद मेरे चैनल पे ह्युंडई क्रेटा, यानी कि हमारी माफिया क्रेटा। तो भाई आपने लास्ट वीडियो में देखा इस गाड़ी के पॉजिटिव्स क्या क्या हैं और क्या क्या इस गाड़ी के लुक्स के बारे में है, मतलब जो इस गाड़ी की लुक्स को एनहांस करते हैं। तो भाई मिलते हैं इसके ओनर से और बात करते हैं आज इस गाड़ी के कुछ नेगेटिव्स की। तो शिवा भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई, आप ठीक हो? बढ़िया भाई, बढ़िया। तो भाई डायरेक्ट आते हैं इस गाड़ी के नेगेटिव्स पे। तो भाई बताइए इस गाड़ी का क्या क्या आपको बुरा लगा? भाई एक नेगेटिव है, सबसे पहले तो पेट्रोल है, पेट्रोल प्योर प्योर पेट्रोल है, तो उसकी थोड़ी सी माइलेज जो है वो है कम। तो भाई मतलब पेट्रोल का क्या वो था? भाई 15 साल वाली बात है 15 साल वाली? यार वो। तू तो भगाने वाला है, मतलब डीजल लवर सा भी लगता है तू। भाई हाँ, पसंद डीजल गाड़ी थी। हाँ मैंने कहीं भी घर पर, घर वाले माने नहीं कि वही 10 और 15 साल वाला जो फर्क है ना, हाँ उस हाँ चक्कर में। इससे पहले ये पेट्रोल ही गाड़ी थी, तो उस चक्कर में तो तूने इसको पेट्रोल को ही डीजल बना दिया है, पेट्रोल को डीजल बना दिया, उतनी उतनी भगा दी है। उतनी भगा दी है। हाँ भाई हाँ तो भाई क्या मतलब पेट्रोल गाड़ी बता रहा था तू, तो भाई, क्या क्या वो है इसमें? जैसे पेट्रोल है तो इसकी माइलेज मेरे को थोड़ी कम लगती है अच्छा इन जनरल। जैसे जब मैं नई नई लाया था ना स्टार्टिंग में, हाँ तो उस टाइम तो ये जब स्टार्टिंग के किलोमीटर थे, आठ हाँ आठ नौ नौ की एवरेज देती थी बस। आठ आठ अच्छा नौ नौ की एवरेज पे मैं इसको चला रहा था। इसकी सुई और इसकी रेंज बिल्कुल ऐसे नीचे जाया करती थी। अब तो 16,000 किलोमीटर चल गया, थोड़ा सही हो गया, तो 12 तो दे देती है, 11 से 12 दे देती है मतलब अब। 10-12 हज़ार तक, जब तेरा इंजन पहली सर्विस नहीं हुई थी। हाँ उससे पहले, उसके बाद 11-12 की देने लग गई है गाड़ी अब। 11-12 की, ग्यारह मतलब यार बारह की दे 11-12 देती भी माइलेज जैसे तेरी रनिंग है। वैसे है तो 11-12 भी ठीक, इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से। पर हाँ जैसे अगर वो रोड पे डिपेंड करता है, मेरे को अच्छा ट्रैफिक कम मिल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आराम से हाँ 11-12 दे देती है, 13 भी दे जाएगी कभी कभी। पर अगर बहुत ब्रेक एक्सीलेटर क्लच दब रहा है ना, तो हाँ फिर ये 10 पे रुक जाती है, 10 से आगे नहीं बढ़ पाती। और जैसे ये हाईवे है पूरा, तो हाँ अगर मैं हाईवे पे लेके जाऊँ, मैंने 17 की माइलेज निकाली हुई है। मैं एक बार हरिद्वार हरिद्वार गए थे, अच्छा मेरठ एक्सप्रेस वे पे 17 की माइलेज थी, 100 पे गाड़ी चल रही थी, 80 से 100 17 की पे माइलेज इसने दे दी दे दी पेट्रोल थी। में। और वो भी उस टाइम जब नई आई थी, 1000 1200 किलोमीटर चली थी उस टाइम पे। तो अभी लास्ट रिसेंट कोई ट्रिप जिसकी माइलेज तू बता रहा है 17 से भी ऊपर दिया, मैक्स 17 ही दिया अभी तक। भाई अभी मैं 16 की दी थी, अमरीक सुखदेव गए थे घर वालों के साथ, तब अच्छा जब 16 की दी हमारा थी, हाईवे पे दे देती है 15 16 17 तो दे देती है हाईवे पे, 16-17 दे रही है दे गाड़ी। रही पर थी। ठीक है यार, 16-17 तो मतलब सोलह अच्छी सत्रह भी माइलेज है सही है हाईवे पे। इसका। हाँ हाईवे की हाँ तो कम माइलेज डीजल थी, वाली माइलेज ही बात हो रही है। सोलह ना सत्रह डीजल जितनी बड़ी तो। गाड़ी जो भी ले लेता है ना, मतलब हाँ 15-16 लाख से ऊपर की जो सेगमेंट है उसके बाद फिर माइलेज इतनी हो जाती है। माइलेज इतनी वही हो जाती है। नेगेटिव दूसरा मुझे लगता है एक, इसमें सेकंड टॉप मॉडल है ये, हाँ इसमें सीट वो देनी चाहिए थी इलेक्ट्रिक। सीट इलेक्ट्रिक। मेरे जैसे कोई और यार भाई चलाता है ना जैसे, और वो हाँ सीट आगे पीछे कर देता है, तो मेरे बैठने में थोड़ा मेरे को कम अनकंफर्टेबल से लगता है। मेरी जैसे सीट फिक्स है, मैं हाँ रोज चलाता हूँ इस गाड़ी को, अच्छा कोई और जैसे थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए या कोई ऊपर नीचे कर देना, तो मेरी हाँ वो सेटिंग बिगड़ जाती है बिगड़ उसके साथ, तो जाती है। मेरे को फिर थोड़ा अजीब सा लगता है, फिर वो सीट सेट करने में दिक्कत लगती है। हाँ अगर मतलब वो बटन वाली होती है इलेक्ट्रिक होती है, उसको ऊपर हाँ नीचे खुद से ही करो, अब इसमें ऐसे 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 इसको खींचो, ऊपर करो नीचे करो, सही है तो भाई, वो दिक्कत लगती तेरा है आज की एक्सरसाइज भी तो हो रही है भाई। उसके लिए से जिम तो चले जाएंगे। भाई ये है। हाँ मतलब आप 17.5 लाख की बता रहा था ना तू? हाँ भाई हाँ 17.5 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक सीट्स तो भाई बनती है एटलीस्ट ड्राइवर साइड के लिए। तो जैसे ये बता रहा है इसको दिक्कत है, रोज ये चलाता है, कोई चला ले। हाँ इसकी दिक्कत भी ये थी, इसका टॉप मॉडल ले लेते पर वो जो पेट्रोल में SX जो है, वो जो SX ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक आता, मैनुअल नहीं आता। तुम्हें चाहिए थी मैनुअल? हमें चाहिए थी मैनुअल, पेट्रोल वो थी SX ऑप्शनल, पेट्रोल की ऑटोमेटिक अच्छा वो थी 20 साढ़े 20 लाख की। तो 3.5 लाख रुपए का डिफरेंस एक ऑटोमेटिक के उस पे और टॉप मॉडल के, उतना कुछ वर्थ लगा नहीं, ज्यादा कुछ फर्क है नहीं, 4-5 चीजें कम होती हैं इसमें उस पे। टॉप मॉडल से 6 एयरबैग इसमें 2 हैं, टॉप में 6 आते हैं इसमें, अच्छा उसमें लेदर सीट कंपनी से आती है, हमने बाहर सी लगवा ली भाई। तो ऑटोमेटिक मैनुअल क्यों भाई ऐसा मतलब? मैनुअल ही ठीक है, मैनुअल पेट्रोल में, उसमें फिर और माइलेज की ड्रॉप आ जाएगी, हाँ चलानी यही रोज होती है। इसके यही माइलेज की दिक्कत है। तो भाई एक सी अलावा आगे जो इसका दिक्कत पीछे का लगाई। वो है ना डैशबोर्ड, आ जा एक बार, आ ये जा अंदर ही आ जा। हाँ सेंटर कंसोल है, आ जाओ आप आओ। हाँ भाई जैसे इसका ये बीच का सेंटर कंसोल है, जब कभी कभी पैर लगता है ना, तो मतलब फिट एंड फिनिश। ये थोड़ी सी आवाज करता है। ये वैसे ऐसे दिक्कत नहीं देता, ये तो तब है अगर आपका पाँव ऐसे साइड में रखा हुआ है ना, तो हाँ कुछ आवाज नहीं करता। अगर ये आप ऐसे दबाओगे इसको, तो ये दिक्कत करता है, तो ये अच्छा थोड़ी सी इसकी आवाज की वो है, भाई सेंटर पैनल पे है मेरे ख्याल में, और कहीं तो नहीं है ये, और तो कहीं नहीं है, बाकी सारा तो हार्ड है भाई। बाकी सारा हार्ड है सेंटर पैनल।
बाकी एक इसमें मेरे पता नहीं कोई गड्ढे गुड्ढे में गई थी तो कोई दिक्कत आ रही है, वो थोड़ी बीच में चू चू करती है, मेरे ख्याल इसके अंदर से आ रही है, डैशबोर्ड में से आ रही है, वो दिखवानी है। अच्छा, हाँ और इसके अलावा भाई कुछ और नेगेटिव? भाई, इसके अलावा थोड़ी पावर और दे देते पावर? इंजन में, तो तुझे पावरफुल इतना लगता नहीं है इंजन? मतलब है तो सही, डिसेंट है, ऐसी कोई वो नहीं है, बहुत ज्यादा हाई फाई भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, थोड़ी हाँ, और दे देते तो और अच्छा ही सही रहता। तो फैमिली कार के हिसाब से ठीक है, पर हाँ, पर जैसे फैमिली कार के हिसाब यंगस्टर्स से के सही हिसाब है, से हमारे हिसाब से तो सही है, हमारे हिसाब, हमें तो कुछ भी दे दो हम तो वही भगाते हैं हम भाई जैसे। तो तू तो चीता बाढ़ है। वैसे गाड़ी पूरी सही, इतनी है तो कंप्लीट पैकेज ही। जब मैंने ली थी 17-1 लाख में, उस टाइम पे मेरे को नहीं लगता कि जो ये फीचर ये दे रही थी 17 लाख की, पिछले साल अब तो कहीं गाड़ी आ गई, हाँ, तो उस टाइम पे कोई और दे रही थी भाई। ये देख लो भाई, क्रेट ओनर्स अपनी गाड़ी की बुराई कर नहीं सकते। नहीं नहीं कर सकते हैं। कर सकते। तो भाई ये था कुछ इस गाड़ी के बुरे फीचर्स या लगा लो कुछ दिक्कतें के बारे में। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताना। इसके अलावा अगर आपको भी किसी के पास क्रेटा कोई ओन करता है, उसको इससे ज़्यादा कुछ दिक्कत लगती है इस गाड़ी में, तो प्लीज़ भाई वो भी कमेंट डाउन करना। बाकी कैसी लगी वीडियो वो भी कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और भाई मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब ऐसी ही वीडियोस के लिए। अगर आप में से किसी को भी गाड़ी का रिव्यू करवाना है या फिर भाई अपनी गाड़ी की ड्रैग रेस करवानी है, तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। बाकी भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम।